तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ एक और मैम जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पे दो पत्थर मैंने रखा है, और ये पत्थर ऐसा नहीं है कि एवी रख दिया है, ठीक है। इसका एक मीनिंग ये है कि अभी मैम को जो है वो एट फॉर्म कराना सिखा रहा हूँ, जो ड्राइविंग टेस्ट, अगर जिनका होगा या कभी सुना होगा आपने कि ड्राइविंग टेस्ट में एट बनाया जाता है, एट शेप का जो है वो आपका ट्रैक होता है, उस पर आपको चलना होता है। अगर आप उस पर चल लेते हो बिना पाँव रखे, देन आप उस टेस्ट को पास माने जाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे दो पत्थर हमने रख दिया है, और मैम को मैंने बोला कि आप अज्यूम कीजिए कि आप उसी ट्रैक पे चल रहे हो, क्योंकि ट्रैक तो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें सारा वेट लेंथ सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि आप खुद से अज्यूम करके इस चीज़ का पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आप खुद परफेक्ट हो जाओगे। अभी क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट एट तो नहीं कहेंगे, कहीं लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा क्लोज आ जा रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं, काफ़ी मतलब बढ़िया, जो कहते हैं ना कि इनका सर्किल वगैरह अच्छा कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी थोड़ा इनसे ट्राई करवाया जाए, ठीक है। तो जो लोग मतलब पहले सर्किल वगैरह अच्छे से कर पाते हैं, सर्किल प्रैक्टिस और ये टर्निंग वगैरह, पहले सबसे बेसिक जो है एट बनाने से पहले आपको पहले तो टर्निंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। टर्निंग होने के बाद आपको किसी राउंड अबाउट में, जैसे अभी एट का आप मत सोचो, आपको सिर्फ एक पत्थर देखना है और उसके अराउंड में घूमना है, ठीक है। और उसके अराउंड में दोनों तरफ से घूमना है, एक बार क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। मतलब लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरफ से सर्किल जब लगा लोगे, उसमें जब परफेक्ट हो जाओगे, देन आपको इस चीज़ का ट्राई करना है जो अभी मैम को मैंने करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले से भी थोड़ा बहुत मैम साइकिल वगैरह चलाई हैं तो अच्छा कर रही थी, और ये आज इनका डे फोर्थ है शायद, फोर्थ डे में अच्छा कर रही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इनको आगे भी ये चीज़ थोड़ा ट्राई कराया जाए, और आप सब को भी थोड़ा सा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। जिनका भी टेस्ट वगैरह शेड्यूल रहता है, जिनका भी लाइसेंस के लिए टेस्ट वगैरह है, तो आप लोग सोचते हो कि मैं कैसे डायरेक्ट, मतलब मेरे पास तो ट्रैक है नहीं, तो कैसे मैं उस चीज़ का प्रैक्टिस करूं। तो आप लोग ये काम कर लेना, ठीक है, दो पत्थर रख लेना और ख़ुद से अज्यूम करना कि मैं इस पे एट शेप में, मतलब इसके राउंड में चलते रहूं, ठीक है। अब जैसे ये पत्थर का जो डिस्टेंस है अभी थोड़ा दूर दूर पे है, ठीक है, इसको फिर और क्लोज लाएंगे, और छोटा एट बनाएंगे, और छोटा एट बनाएंगे, उससे क्या होगा, बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे। और आप देखोगे कि जब भी आप लाइसेंस के लिए ट्राई करने जा रहे हो, ठीक है, लाइसेंस के टेस्ट में आप जा रहे हो, और एट फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों को क्या होता है ना लाइसेंस के टाइम में, कि उनको आता तो है लेकिन वहाँ पर जाकर वो इतने लोगों को देखते हैं और एक तरह से नर्वसनेस हो जाता है, और वहाँ पे उनका वो ट्रायल कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना, इतना प्रैक्टिस कि आपको बिल्कुल वो बिल्कुल इजी लगने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैम जैसे कर रही हैं, आपको भी यही काम करना है। अभी परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ये परफेक्शन आते जाएगा, क्योंकि पहला ये दिन है जब मैंने इनको ये चीज़ बोला, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और बाकी देखो, अभी जो है वो पैर हवा में है, कभी ऊपर कर रही हैं, कभी हवा में कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ परफेक्ट तब होगा जब दोनों पांव जो इनका है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर होकर और ये काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मानी जाएंगी, ठीक है। तो और बात बाकी अगर मैम का बात करें, बढ़िया चला रही है, अच्छा कर रही हैं, साइकिल वगैरह का आइडिया था तो काफ़ी अच्छा की। एक चीज़ और कि दो बार ये ड्राइविंग मतलब स्कूल ज्वाइन किए हैं, अदर ड्राइविंग स्कूल, उसके बाद भी मतलब इनको कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आ रहा था, फाइनली अब हमारे पास आई हैं और आज ये चौथा दिन है, ठीक है। तो बिल्कुल अब मुझे लगता है कल से इनको रोड पे ले जाना शुरू करूँगा, इंडिविजुअल मैं अपनी स्कूटी से रहूँगा और इनका, तो धीरे धीरे वो भी फियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज ये कराने का एक और मतलब था कि टर्निंग में बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएँ, ठीक है, ताकि कल से जब रोड पर जाएँ तो बिल्कुल इनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो लोग भी एट बनाने में टेंशन लेते हैं कि कैसे क्या करूं, तो आप लोग भी ये मेथड बिल्कुल यूज़ करके देखना, हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एट बनाने से पहले जो, जैसा कि मैंने ये चीज़ बोला कि पहले एक ईंट रख के उसके अराउंड में घूमना है, एक ईंट रख के उसके रेफरेंस में घूमते जाएँ, पहले सर्किल वाला प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद दो ईंट रख के उसको एट वाला भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।